हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपको भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। यहाँ पे बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। कोकण रेलवे की तरफ से यहाँ पे टेक्निकल भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और सारी की सारी भर्ती टेक्निकल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जो आपको पोजीशन देखने को मिलेगा, टेक्नीशियन का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा, जूनियर इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि फॉर्म आपको फ्री का देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे एक रुपया भी पे नहीं करना और डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे देखने को मिलेगा, कोई भी एग्जाम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट आपका रहेगा 700 प्लस, आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी के। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता रहता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। एक चीज का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। साथ ही साथ अपने आईटीआई किया तो अपने ट्रेड को जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। अब डायरेक्टली बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। पोजीशन जो आपको देखने को मिलेगा, टेक्नीशियन का भर्ती देखने को मिल जाएगा, जूनियर इंजीनियर का भर्ती आपको देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर देखने को मिलेगा, कोई भी एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं, टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक ग्रुप का। जल्दी से जाके इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेना। इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपडेट नहीं दे पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहां पे मैं उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो कि मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं, ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। देखिए यहां पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहां पे वैकेंसी निकाला गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर एक कार्य करता है। यहां पे आप देख सकते हैं जॉब लोकेशन आपको इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पे इन्होंने जारी कर दिया है, आज सुबह ही नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया, इसीलिए यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए और आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा वो सिविल डिपार्टमेंट में वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। साथ ही साथ इसके अंदर आपका इनिशियल एक साल तक कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, फर्दर उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर देंगे, आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कैसा कार्य करते हैं। अब डायरेक्टली बात करते हैं पोजिशन के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपका पोस्ट क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, जिसके अंदर यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वाइज यहाँ पे वैकेंसी का ट्यूशन कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जो कि जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट आपको यहां पे सैलरी देखने को मिलेगा। सैलरी बहुत ही अच्छा आपको यहां पे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जो पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का, जिसके अंदर आपका एज लिमिट रहेगा 45 साल तक अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन आपको एनीवेयर इन इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा।
सैलरी जो आपको देखने को मिलेगी लगभग 80,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपने बीबीटेक के सिविल के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स आपके होने जरूरी है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है 6 साल तक का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस किस किस के अंदर होना चाहिए यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर जो आपका एज लिमिट रहेगा लगभग 45 ईयर तक अगर आप है इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सैलरी रहेगा लगभग 80,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी यहां पे देखने को मिल जाएगा। जॉब लोकेशन आपको इंडिया में बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपने बीबीटेक किया सिविल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 55% से कम आपके मार्क्स होने नहीं चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स यहां पे रखे गए हैं। एक्सपीरियंस की बात करें 6 साल तक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्डिंग्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, हाईवे के अंदर एक्सपीरियंस है, एमएनसी में काम कर रहे हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। तो यहां पे जो आपको देखने को मिलेगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। 35 ईयर यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 23 है। जॉब लोकेशन आपको इंडिया में बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगा। सैलरी लगभग आपको यहाँ पे 62,000 के अप्रोक्स आपको सैलरी देखने को मिलेगा। 62,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, तो अगर आपने यहाँ पे बीबीटेक किया सिविल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोकैड का नॉलेज होना जरूरी है, 55% होने भी जरूरी है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो 5 साल तक एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए सिविल के अंदर जो कि मेंशन किया गया है। साथ ही साथ नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी देखने को मिलेगा। 35 ईयर एज लिमिट आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पे जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे उड़ीसा के देखने को मिल जाएगी। सैलरी जॉब का रहेगा लगभग 62,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा, मंथली सैलरी रहेगा। अगर आपने यहाँ पे बीबीटेक किया है सिविल के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपके 55% होने जरूरी है। अगर आपने बीबीटेक किया तो 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने एमईएमटेक कर रखा है सिविल के अंदर तो आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत ही तगड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया जो कि यहाँ पे रहने वाला है, तो आप इसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, जिसकी सैलरी जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट देखने को मिलेगी। जॉब का एज लिमिट रहेगा 30 ईयर आपको देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन आपको इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ ओपनिंग आपकी 10 निकाली गई है। सैलरी लगभग आपका 50,000 रुपए के अप्रॉक्स यहाँ पे मंथली सैलरी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे बीबीटेक किया सिविल के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स यहाँ पे होने जरूरी है। एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, लेकिन ये मेंशन नहीं किया कि कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। 3 साल का ओबीसी कैटेगरी को, 5 साल का एसएससी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, उसी के बेस पर आपको सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है पोस्ट का, डेट ऑफ इंटरव्यू क्या रहेगा और वेन्यू जॉब का रहेगा मुंबई का वेन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है उसका जो इंटरव्यू रहेगा 19 जनवरी का रहेगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पे 20 जनवरी तक इंटरव्यू चलेगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके अंदर 23 जनवरी को इंटरव्यू चलेगा। साथ ही साथ जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पोजीशन है उसके अंदर जो इंटरव्यू चलेगा 24 जनवरी को चलेगा। अगर आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 30 जनवरी को इंटरव्यू देने जाना है। ये जो वेन्यू दे रखा है इसी वेन्यू पे आपको यहाँ पे चले जाना है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लेके जाना है जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए, सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में फिर बता दें कि इंटरव्यू के बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। जीडी होगा आपका, ग्रुप डिस्कशन होगा, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं रखी गई, फ्री के फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको यहाँ पे इसका जेरोक्स निकलवा के आपको लेके जाना पड़ेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर्मेट को आपको निकलवा लेना है। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, ताकि हाईलाइट होगा तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी। तो आप इसको आराम से इसको निकाल सकते हैं और इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं, और जब भी आपका इंटरव्यू है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं जो वेन्यू यहाँ पे मेंशन किया गया है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।